नमस्कार, मैं हूं मेघा, लेकर के आ गई हूं टॉप न्यूज। आइए नजर डालें आजकल की कुछ खास खबरों पर। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी और भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को डिफेंस पैनल में शामिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में प्रज्ञा ठाकुर को भी शामिल किया गया है। समिति में कुल 21 सदस्य हैं और इसके प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। बीजेपी की विवादित सांसद को इस समिति में शामिल करने पर राजनीतिक बवाल होना तय माना जा रहा है। डिफेंस मामलों की इस कमेटी में कुल 21 सदस्य हैं। कमेटी में चेयरमैन राजनाथ सिंह के अलावा फारूक अब्दुल्ला, ए राजा, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, राकेश सिंह, शरद पवार और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था, तब ही से उनके बयान सुर्खियों में रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने से लेकर शहीद पुलिस अफसर हेमंत करकरे को लेकर उनके बयान विवादों में रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि वो कभी भी साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के उसी बयान को लेकर अब कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि आखिरकार मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ कर ही दिया। आतंकी हमले की आरोपी को रक्षा मंत्रालय में जगह देना उन वीर जवानों का अपमान है जो आतंकवादियों से देश को महफूज रखते हैं। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। अभी भी ये मामला अदालत में चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से जारी राजनीतिक गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में आज बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस बुधवार को एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच काफी देर तक चली बैठक के बाद जल्द ही राज्य में सरकार बनाने का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि अब एनसीपी अगले दो दिनों तक शिवसेना के साथ बातचीत करेगी। इस दौरान एनसीपी मुख्यमंत्री पर ढाई ढाई साल बांटने पर जोर दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने को लेकर अगले दो दिनों तक चलने वाली बातचीत में एनसीपी अब शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए मोलभाव पर ज्यादा जोर देगी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिवसेना इसे लेकर किस हद तक सहमत होती है। आपको बता दें कि एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में शिवसेना से मात्र 2 सीटें कम जीती हैं। एनसीपी के 54 और शिवसेना के 56 विधायक हैं। उधर कांग्रेस भी एनसीपी और शिवसेना से मंत्रालयों को लेकर जमकर मोलभाव कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीएम की कुर्सी की तरह प्रमुख मंत्रालयों को भी बारी बारी से रोटेट करने की मांग कर रही है। इस बीच शिवसेना ने आज फिर जल्द सरकार गठन का भरोसा जताया। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि सरकार बनने की घड़ी अब नजदीक आ गई है और 1 दिसंबर से पहले सरकार बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम पेमेंट पर 2 साल की छूट देने का फैसला किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 का स्पेक्ट्रम पेमेंट टाले जाने से भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार कंपनियों को हो रही परेशानी को देखते हुए कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन से जुड़े इंस्टॉलमेंट का भुगतान 2 साल टालने का फैसला किया है। सीतारमण ने कहा कि डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट को बाकी किश्तों में बराबर बांटा जाएगा और मौजूदा टाइम पीरियड में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया का शादी के 21 साल के बाद बीते मंगलवार को आधिकारिक रूप से तलाक हो गया। बांद्रा के एक फैमिली कोर्ट ने आपसी सहमति से दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। आपको बता दें, दोनों ने 30 अप्रैल 2019 को कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसे जज शैलजा सावंत ने करीब 6 महीने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मंजूरी दे दी। उनकी दोनों बेटियां अब मां के साथ बांद्रा स्थित ड्यूप्लेक्स में रहेंगी। दोनों के अलग होने की खबरें सबसे पहले 2011 में सामने आई थी, लेकिन इस बात को उन्होंने 28 मई 2018 को ऑफिशियली अनाउंस किया। इस बीच अर्जुन एक अलग 2 BHK होम में शिफ्ट हो गए हैं। गौरतलब है कि अर्जुन को गर्लफ्रेंड गैब्रियला डिमेट्रियस से एक बेटा है जिसका नाम आरिक है। उसका जन्म इसी साल 18 जुलाई को हुआ था। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।